क्या वाकई में आपको लगता है कि आप लोग भी इंट्राडे ट्रेड करते हुए 1 लाख रुपए से 1 करोड़ का प्रॉफिट गेन कर सकते हो क्या? क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के वीडियो के नीचे कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं, सर हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, सर हमारे पास 2 लाख का कैपिटल है, क्या हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए आने वाले 2 या 3 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए को 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं क्या? तो सबसे पहले आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, हमने अपने आप से एक चैलेंज लिया था आज से लगभग 40 दिन पहले, शायद वो वाला वीडियो आपने पक्का यहाँ पे चेक किया होगा, क्योंकि वो वाले वीडियो के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया था। उसके अंदर हमने क्या किया था, अपने आप से एक चैलेंज लिया था, 5,000 का जो कैपिटल है हमें वहाँ पे 5 लाख तक लेके जाना था, और पहला टारगेट हमारा था 5,000 से लेके 50,000 का, ये हमारा पहला टारगेट था। और भाई हमारा जो पहला टारगेट है वो हम लोग यहाँ पे अचीव कर चुके हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर आपको वो वीडियो का जो PNL है वो आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग 50,000 पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके अंदर अभी हम लोग 8,000 रुपये कम है। मतलब अभी तक हमने क्या किया, 5,000 का जो हमारा कैपिटल था वो हमने जर्नी स्टार्ट की थी, वो एक बार हमारा पूरा जीरो हो गया, और फिर हमने दोबारा से हमारी जर्नी स्टार्ट की, तो उसके अंदर अभी तक हम लोग यहाँ पे 42,000 का प्रॉफिट है वो अभी तक हम लोग गेन कर चुके हैं। अब एक बात आपको ये सीखना पड़ेगा, अगर आपको मार्केट के अंदर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको स्केल्पिंग आनी चाहिए। अगर आप लोग टारगेट के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको हमेशा नुकसान ही होने वाला है। देखो टारगेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मान के चले कोई मार्केट में ट्रेड लिया है, जैसे आपने मार्केट में ट्रेड लिया और आपका टारगेट आ रहा, आपका जो भी सेटअप आपने बना है मार्केट के अंदर, आपका टारगेट है भाई 35 पॉइंट का आपका टारगेट है, और अभी क्या हो रहा है, जैसे आपने मार्केट में एंट्री की तो आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, अभी आपको 12 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, और आप लोग वहां पे क्या करते, थोड़ा वेट करते हो 35 पॉइंट तक आने के लिए, लेकिन कहानी क्या होती है, आपके साथ उल्टी हो जाती है। तो कहानी, जो आपका पहले प्रॉफिट आ रहा था वो सारा सारा प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको स्केल्पिंग भी मार्केट के अंदर आनी चाहिए। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग बायर हो तो बायर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट पकड़ना। अगर आप लोग मूवमेंट अगर नहीं पकड़ पाते हो, मान के चलते जहां पे मैंने एंट्री की वहां पे आपने एंट्री की नहीं, और जहां पे मैंने अपना एंट्री करके वहां से मैंने एग्जिट कर दिया, 15-20 पॉइंट जो मुझे मिला था वहां से मैंने क्या किया, एग्जिट कर दिया, और आप लोगों ने वहां पे क्या किया, जहां पे कई सारे लोगों ने एग्जिट किया वहां पे जाके आप एंट्री करोगे, और जैसे आप एंट्री करोगे भाई आप 100-200 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा नहीं, और सारा सारा आप कंटिन्यूसली वहां पे लॉस में आते रहोगे, क्योंकि आपका सेटअप के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। एक आपके पास मजबूत सेटअप होना चाहिए, और एक आपको स्केल्पिंग भी मार्केट के अंदर आनी चाहिए। और आपने भाई मेरे सारे वीडियो चेक किए होंगे, हमने जो 5,000 रुपये से अभी तक हमने 40,000 रुपये का जो प्रॉफिट गेन किया, हर एक ट्रेड का वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, और हर दिन आपको कभी ऐसा नहीं देखने को मिला होगा किसी दिन हमने 5,000 का प्रॉफिट किया होगा, और कभी हमने 7,000 का प्रॉफिट किया होगा, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। हर दिन जो हमारा प्रॉफिट है, कभी 1,500 रुपये का प्रॉफिट है, कभी 2,000 का प्रॉफिट है, अगर हमारा जो लॉस भी हुआ है, कभी आपको 1,000 रुपये का लॉस देखने को मिला है, कभी आपको 2,000 रुपये का लॉस देखने को मिला है, एक दिन ऐसा भी नहीं आया मेरा 40 दिन जो मैंने प्रॉफिट किया, और मेरा जो सबसे हाईएस्ट जो प्रॉफिट था ओनली फॉर 3,500 रुपये, वो हमने एक दिन प्रॉफिट बुक किया था। अब एक बात समझना, मेरे जो यहाँ पे जो हर दिन के जो प्रॉफिट है काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ, अगर मैं हर हफ्ते की बात करूँ, तो हर हफ्ते मैंने 8,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ पे बुक किया है। तो आपको भी ना, आपको ना कई सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी। बड़े प्रॉफिट की साइड आपको आपको बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, और जो आपका लॉस है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपको मार्केट में देना पड़ेगा। अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं दोगे, जो भी आपका कैपिटल है, 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, सारा सारा कैपिटल आपका जीरो हो सकता है। तो मैं बड़ी बातें नहीं करता हूँ कि भाई मैंने आज 2 लाख का प्रॉफिट किया, और मेरे पहले वीडियो आते थे आपने चेक किया होगा, एक एक दिन के अंदर हम लोग 2-2, 3-3 लाख का प्रॉफिट बुक करते थे, लेकिन ये वाली अभी मैंने अपनी नई जर्नी स्टार्ट की है। जो लोग बिगनर है, जो मार्केट के अंदर अपना पैसा लॉस करें बार बार, किसी को 10 लाख का लॉस हो रहा है, किसी को 12 लाख का लॉस हो रहा है, तो ये मतलब जो मैं PNL अपना अपलोड करूंगा, जो अपना पैसा लॉस यहाँ पे रिकवर करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। वो भी यहाँ पे 1,000, 1,500, 2,000 रुपये कर करके भी अपना प्रॉफिट यहाँ पे क्या प्रॉफिट अपना यहाँ पे गेन भी कर सकते हैं, और अपना लॉस रिकवर भी कर सकते हैं। तो पहले 1 लाख से 1 करोड़ के सपने नहीं देखने चाहिए आपको, पहले आपको ना उसको ना भाग में आपको ना डिवाइड करना चाहिए। 1 लाख का कैपिटल है तो आपको शुरुआत 15,000 से करनी चाहिए, और टारगेट ये होना चाहिए भाई ये कैपिटल को मुझे कम से कम, मतलब उसे अपना कुछ पैसा कमाओ चाहे ना कमाओ, ये आपके मन में होना चाहिए, जो मेरा 15,000 का जो कैपिटल है इसे मुझे 1 महीने तक बचा के रखना है।
अगर आप, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आप ये वाला अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपने 15,000 रुपये को 1 महीने तक अगर बचा लिया, तो भाई यकीन के साथ आप ना मार्केट के अंदर लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हो। भाई 15,000 को निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेड करते हो, बचाना काफ़ी बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने पैसा बचा लिया और 15,000 से अगर आप 25 या अगर अपना पैसों को अगर ना आप 2 गुना भी कर पाते हो, तो आप ना अच्छा खासा मार्केट में जिंदा रह सकते हो। तो सबसे पहले आपको ना अपने जो टारगेट है उनको डिवाइड करने चाहिए। अभी हमने क्या किया, 5,000 से हम लोग 50,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, और अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, 50,000 से हमें 1 लाख करना है, और 1 लाख से फिर हमें वहां पे 1.5 लाख करना है, 1.5 लाख से फिर हमें 2 लाख करना है। शायद हो सकता है, मतलब जो अभी हमने जर्नी स्टार्ट की इसमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको आने वाले समय के अंदर, अभी जो आपको मेरे 1 या 2 लॉट के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, वैसे वैसे मेरा कैपिटल इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद में मेरे जो लॉट है, जो मेरे यहाँ पे लॉट साइज है, वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जो अभी हमारा जो लॉस आपको 1-2 हज़ार के आसपास दिखाई दे रहा है, फिर आपको हमारे लॉस भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और जो हमारे प्रॉफिट है वो भी आपको बढ़ते हुए वहां पे दिखाई दे सकते हैं। तो आपको ना जो भी आपका टारगेट है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, वो आपको पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। भाई अगर मान के चलते आपको कोई पहाड़ चढ़ना है, तो एकदम से तो आप पहाड़ के ऊपर तो ना जा नहीं सकते हो ना, तो आपको ना स्टार्टिंग करना पड़ेगा। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर, भाई आपके पास अगर करोड़ों रुपए है हेलीकॉप्टर, तो भाई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास हो, आपकी लाइफ अगर चेंज करना चाहते हो, स्टार्टिंग से अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना, तो भाई आपको एक एक स्टेप के साथ ही आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो भाई एक ही दिन है भाई 1,000 रुपये का प्रॉफिट, वो 1,000 रुपये क्या होता है भैया, ये मेरी ये सोच थी, मैं 1,000 रुपये कुछ मानता ही नहीं था। 1,000 रुपये और हाँ चल छोड़ यार, आया तो नहीं तो नहीं। लेकिन अभी मुझे पता चल भाई 1,000, 2,000 करते करते और पूरे महीने के अंदर जाके बड़ा एक अमाउंट आपका बन जाता है। तो भाई मैं यही चाहता हूँ भाई, एक मार्केट के अंदर स्केल्पिंग आपको आना चाहिए, और एक अच्छा सा आपके पास एक सेटअप भी होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताया करो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपके प्यार मोहब्बत से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट यहाँ पे मिलता है। तो धन्यवाद।